तो पैसा लगा के टिकट निकाले ना। आप आपके पहचान के नहीं खबर है। मेरे पीछे देख रहे होंगे गोरखपुर रेलवे स्टेशन नज़ारा यहाँ का गोरखपुर में कोरोना काल में कैसा है। और बाकी मैं बता दूँ, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, मैं बस स्टैंड गया था कल रात में, इसलिए चाहे वो लखनऊ हो बरेली हो आपको यहाँ से बसें मिल जाएंगी। बसें रेगुलर चल रही हैं यूपी गवर्नमेंट की। आज की ट्रेन जर्नी होने वाली है इंडिया की नहीं बोल सकते वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, जी हाँ गोरखपुर जंक्शन से मेरे लेफ्ट से राइट तक बहुत आगे तक इसका कैंपस है। इंटर करते हैं तो आज की ट्रेन जर्नी होने वाली है अवध कोविड स्पेशल, जो गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनस मुंबई के बीच में चलती है। सलाम नमस्ते, मैं हूं ऋषि एंड वन मोर घूमो इंडिया एंड घुमाओ इंडिया। चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन का फुल डिटेल भी दूंगा और एक दमदार जर्नी तक मैं करवाता ही हूँ। ट्रेन हमारी लगी हुई है अवध एक्सप्रेस, पहले ही ICF कोच के साथ चलती थी लेकिन अब कुछ महीने पहले इसका LHB कोच कर दिया गया है अवध एक्सप्रेस का। जर्नी और भी ज़बरदस्त होगी LHB कोच में। अब मेरी सीट है B1 में। फिफ्टी थ्री है मेरी सीट, यानी मिडिल बर्थ। घर का ना घाट का, इसको बांध लो, इसको लपेट लो, अच्छा है आपके लिए सबके लिए है ना। जैसे वो देखो कितना अच्छा बच्चा से बांध के रखा हुआ। बाकी ये लोग भी लखनऊ जा रहे हैं गोरखपुर से हैं। और ट्रेन अच्छी है अवध एक्सप्रेस। और एक खास बात यह है कि मुंबई, इसका नाम अवध से अच्छा मुझे लगता है उत्तर भारत दर्शन, क्योंकि पूरा आपको यूपी घुमाते हुए राजस्थान गुजरात घुमाते हुए मुंबई ले जाएगी। सीट मुझे नीट एंड क्लीन दिख रहा है और नीचे आप ले सकते हो। अवध एक्सप्रेस का वॉशरूम का क्या कंडीशन है, किस कैसी है साफ सफाई देख लेते हैं। और इंडियन स्टाइल है, पहले मैं वेस्टर्न स्टाइल में गया था बट बेसिन में मैंने इतना तंबाकू खैनी डाल के इतना पानी से भरा हुआ था। तो अभी यह ट्रेन स्टार्ट भी नहीं हुई है तो अभी पैसेंजर को आप दोष नहीं दे सकते। इसमें जो भी स्टाफ है कोच का, जो अटेंडर था, मैं घुसते मैंने देखा कि वो हाथ ऐसे धो रहा है, पानी ऐसे फेंक रहा है, उसकी गलती होगी, वो तंबाकू जरूर खाता होगा, उसने पूरा भर रखा है। प्लस नीट एंड क्लीन है, हल्का फुल्का स्पॉट है, पानी का कुछ नहीं है, बाकी साफ सुथरा कह सकते हैं अवध एक्सप्रेस के 3rd AC का वॉशरूम। अवध एक्सप्रेस का लोकोमोटिव ठीक मेरे सामने देख रहे हैं। वडोदरा का WAP 7 लोकोमोटिव साथ चलती है अवध एक्सप्रेस। एक्स्ट्रा WAP 4 भी लगा रहता है, WAP 4 लोकोमोटिव भी लगा रहता है जो कानपुर सीट का रहता है। दो लोकोमोटिव साथ चलती है अवध एक्सप्रेस। हो चुकी है और ट्रेन हमारी रवाना हो चुकी है गोरखपुर रेलवे स्टेशन से। तो चलिए फटाफट ट्रेन नंबर 09038 अवध कोविड स्पेशल का एक छोटा सा डिटेल दे देता हूँ।
ये ट्रेन गोरखपुर से 1:20 दोपहर में खुलती है और 1842 किलोमीटर 1842 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 39 घंटे 15 मिनट में 39 आवर्स 15 मिनट। और ये बांदा टर्मिनस पहुंचती है सुबह 4:35 पे। इसकी एवरेज स्पीड रहती है 47 किलोमीटर पर आवर। जहाँ तक मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 110 किलोमीटर पर आवर। हफ्ते के 4 दिन चलती है, 4 days in a week, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एंड सैटरडे। इस ट्रेन के अवध, इस ट्रेन का गोरखपुर से बांदा टर्मिनस मुंबई के बीच में 67 हॉल्ट्स है। जहाँ तक कोच पोजिशन की बात है तो जनरल के 2, स्लीपर के 13, थर्ड AC के 3 और सेकेंड AC का 1। जनरल का फेयर है 440, स्लीपर का है 715, थर्ड AC का है 1900 और सेकेंड AC का है 2755। और इसमें जी हाँ, कैंटी कार इसमें इस ट्रेन में है। ठीक 2 नंबर जो प्लेटफॉर्म था गोरखपुर जंक्शन का, उससे थोड़ा सा ट्रेन आगे बढ़ती है तो ये राइट कट लेके साइड से निकलती है और मेन जो लाइन होता है वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म बन जाता है गोरखपुर स्टेशन पे। ये मैं हमारे सामने देख रहे हैं, ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म है। बाय बाय गोरखपुर और गोरखपुरिया भाई लोग, अगर वीडियो तक आता रहे तो लाइक मारी, शेयर करी। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है बस्ती। मुझे आ गई थी नींद, अचानक नींद टूटी तो मैं देख रहा हूँ तो स्टेशन बस्ती पे ट्रेन हमारी अराइव कर चुकी थी। चलिए
मिलते हैं प्लेटफॉर्म पे। और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है बस्ती। ये रेलवे स्टेशन गोरखपुर लखनऊ मेन लाइन पे स्थित है। कपिल वस्तु रेल लाइन के लिए प्रपोजल गया हुआ है। यहाँ टोटल 4 प्लेटफॉर्म है, 128 ट्रेनें रोजाना रुकती हैं। 2 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, 2 टर्मिनेट बस्ती से। यहाँ पे 250 शहीदों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छावनी में स्थित पीपल के पेड़ पे लटकवा दिया था बस्ती में। तो बस्ती 1857 की क्रांति में भी बस्ती शहर को याद किया जाता है, कह सकते बहुत बड़ा योगदान था। हम लोगों ने गोरखपुर के बाद 3 रेलवे स्टेशन को हमने स्किप किया था, इसमें था सहजनवा, मगहर और खलीलाबाद, और ये ट्रेन की चौथी हॉल्ट है बस्ती। कट क्या हुआ? बोला आपका सीट कौन सा है? मिडिल बर्थ। मेरा बीच वाला है। तो बैठिए, क्या दिक्कत है? नहीं तो ये बोलते खाली 4 ही जन बैठ सकते हैं। किसने? हमने ऐसा नहीं बोला, मैंने कहा जो उनको उस समय सीट लेते समय बोले कि 4 ही लोगों के लिए बोले। 4 ही लोगों के लिए नहीं, पूरा सीट बुक हो रहा है यहाँ पे, आरएसी भी बुक हो रहा है। आरएसी भी नहीं, अरे आप सही हो, आप दूर हो, आप अपने नकाब पहनो अपना। सभी आने से भी बुक हो रहा है। आप वो आंटी बोल रहे बैठने नहीं देना। नहीं तो ठीक है, अपने बर्थ उठा लीजिए, आप लेट जाइए। नहीं तो बोलते बर्थ भी नहीं उठाने का। क्यों नहीं उठा लीजिए? बिल्कुल अरे ऐसा है, ठीक है। नहीं नहीं आंटी जी, किसी की मिली भगत नहीं है। आंटी हम लोग भी तो पैसा लगा के टिकट निकाले ना। आप कपड़े मैं भी आपके पहचान के हूँ ना, मैं इनके पहचान को, मैं किसी के पहचान के नहीं। मैं आंटी जी, आप आंटी जी का कहना सही है, वो सब लोग चाहता था कि चार मिले, लेकिन तो आप इनको तो बैठने, इनको बैठा दीजिए ना इनके बर्थ पे। इनका जो बर्थ है मिडिल बर्थ। एक काम करो सुतो, ये सीट उठा के इसके पूरा सामान रख दो। अरे नहीं नहीं एक मिनट, बीच वाले पर कोई नहीं रहेगा। सुने टीटी है ना, टीटी को बुला लीजिए। वो बुला लो, मेरे को बैठने के लिए चाहिए कहीं। एक से एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है इस कोरोना काल में। बस्ती स्टेशन से ट्रेन का डिपार्चर दिखा नहीं पाया, अंदर आया था तो कुछ देखा इधर खटपट खटपट, तो मैं इन लोग को सोचा कुछ मामला सॉल्व करूं। तब तक ट्रेन हमारी बस्ती स्टेशन से रवाना हो चुकी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हॉल्ट पे। गरम है ना? बीच में एकदम बन के ही ला रहा है। बन ना के ला रहे हो है ना, तो 2 गरम गरम देना। और मिर्चा है ना, मिर्चा देख लो भाई, टेंशन नहीं लो, पका पका समोसे मिल जाएंगे आपको। ऐसा नहीं कि आपको कुरकुरे या लेज खा के निकलना है। लखनऊ तक की, क्योंकि कल मेरी ट्रेन है यहाँ से लखनऊ मेल, जिससे मैं नई दिल्ली निकलूंगा। तो चलिए अब बाहर आप देख सकते हो लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा किस तरह से सन्नाटापन है। होप आपने ये जर्नी अवध एक्सप्रेस का एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे ट्रेन अच्छी लगी, नीट एंड क्लीन था, सब चीज़ अच्छा था, पर स्टॉपेज इसके बहुत ज़्यादा थे और बाकी ट्रेन मस्त था। चलिए किसी नई जर्नी पे, तब तक के लिए सलाम नमस्ते।